हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ डबल स्लिट्स डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो इस लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका फर्स्ट केस लेंगे। केस फर्स्ट फॉर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा तो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होगा ये लेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए, इन द केस ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा प्रिंसिपल मैक्सिमा अल्फा इक्वल टू जीरो। सो देखिए, हम लोगों के पास जो लास्ट रिजल्ट आया था इंटेंसिटी का, इसकी वैल्यू आया था 4I0 साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ये फार्मूला था। इसमें दो टर्म का एक्सप्लेनेशन किया गया था, एक था इसी का नाम था डिफ्रैक्शन टर्म और इसका नाम था इंटरफेरेंस टर्म। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, बीटा कितना है, ये सब वैल्यू हम लोग लिए थे। तो अल्फा का जो मान था ये था पाई ई साइन थीटा अपन लैम्डा, और इसमें जो बीटा की वैल्यू थी ये पाई ई प्लस डी साइन थीटा अपन लैम्डा के रूप में मिला था। ये टर्म लिया गया था, अल्फा को डिफ्रैक्शन टर्म एंड बीटा को इंटरफेरेंस टर्म कहा गया था। तो जब हम लोग डिफ्रैक्शन मैक्सिमा देखेंगे तो उसमें अल्फा के टर्म का जिक्र करेंगे, और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में जब अल्फा जीरो था तो प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा क्रिएट होता है। तो इस कंडीशन में ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोग कंडीशन निकालेंगे इसमें कि कब मैक्सिमा क्रिएट होगा। तो इस अल्फा टेंड्स टू जीरो होगा तो उस समय साइन अल्फा अपान अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो इतना मिलेगा। अब यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा जब जीरो होता है तो साइन अल्फा अपान अल्फा की वैल्यू 1 आती है, मैक्सिमम आती है। तो उस कंडीशन में ये हो जाता है 1। तो यहाँ से साइन अल्फा अपान अल्फा की वैल्यू जब आती है 1 के रूप में, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। तो अल्फा 0 होगा तो उस कंडीशन में मैक्सिमा क्रिएट होगा, लेकिन वो मैक्सिमा कहलाएगा डबल स्लिट में डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। और जब बीटा कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वो कहलाएगा इंटरफेरेंस मैक्सिमा। दोनों घटनाएं एक साथ इसमें चलती है। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग सिंगल स्लिट में पढ़े थे कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो ये हो जाता है 1, और उस समय ये टर्म मैक्सिमम हो जाता है, तो ये वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, दूसरा कंडीशन है कि अल्फा जब 0 होगा तो उस कंडीशन में इक्वेशन इसका क्या होगा, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा या मिनिमा, ये निकाला जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा के जीरो होने के लिए साइन की साइन अल्फा अपन अल्फा मैक्सिमम होता है यही, तो उस कंडीशन में ये मैक्सिमम मिलेगा। और दूसरा टर्म है कि सेकेंडरी मैक्सिमा जब दिया जाता है तो उस कंडीशन में अल्फा ये जीरो रहता है फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा
अल्फा की वैल्यू आया था प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2, इसी तरह से प्लस माइनस 7π/2, डॉट डॉट ये वैल्यू मिलता है। तो इसके लिए इस पर जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डॉट डॉट सेकेंडरी मैक्सिमा क्रिएट होता है। ये भी रिजल्ट हम लोग इसका फर्स्ट स्लिप से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है, पीछे हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ये टर्म मिलेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा। अब डिफ्रैक्शन मिनिमा का कंडीशन क्या होगा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा क्या होगा? अब दूसरा केस लिया जाएगा, केस टू पर डिफ्रैक्शन मिनिमा। डिफ्रैक्शन मिनिमा तो ये टर्म हम लोग यूज करेंगे। अब इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा, इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा इंटेंसिटी रिमेंस मिनिमम, सो जो टर्म है इसमें साइन अल्फा अपन अल्फा इक्वल टू जीरो, बट अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। पहले केस में लिया गया था अल्फा इक्वल टू जीरो पर सेंट्रल मैक्सिमा होता है, तो इसमें डिफ्रैक्शन टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो उसकी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो साइन अल्फा अपन अल्फा की वैल्यू उसमें वन आया था, इसमें जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से साइन अल्फा इक्वल टू जीरो या अल्फा इक्वल टू पाई 2π, जीरो नहीं लेना है, अल्फा की वैल्यू जीरो अलाउ नहीं होगी, जीरो पर ये मैक्सिमा मिलेगा। 3π 4π इस तरह से टर्म बनेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू एन पाई, इसमें दोनों टर्म आएगा, तो एक को m मान लेते हैं m पाई, जहाँ m इक्वल टू है 1, 2, 3, 4 इस तरह से वैल्यू मिले। तो जनरल मान इतना होगा अल्फा का, उस कंडीशन में मैक्स मिनिमा क्रिएट होगा। अब देखिए अल्फा इक्वल टू वैल्यू आया है डेरिवेशन में पाई ई साइन थीटा अपन लेमडा, लिए इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं पाई ई साइन थीटा अपान लेमडा इक्वल टू एम पाई। यहाँ पर जो वैल्यू मिल रहा है मैं मिनिमा के लिए, उस टर्म को रख देंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ई साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा। तो यहाँ पर ई साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा एक स्टैंडर्ड फार्मूला होगा, इसमें एम की वैल्यू होगी 1, 2, 3 डॉट डॉट ये। तो ये होगा दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन मिनिमा कंडीशन
डिफ्रैक्शन मिनिमा कंडीशन इन द डबल स्लिट्स डिफ्रैक्शन पैटर्न डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये हो गया आप मैक्सिमा मिनिमा डिफ्रैक्शन के लिए। इसी तरह से दूसरा केस लिया जाएगा पाथ इंटरफेरेंस केस। थर्ड हो जाएगा फॉर इंटरफेरेंस मैक्सिमा। इंटरफेरेंस में कोई प्रिंसिपल मैक्सिमा ना होकर सब एक समान होते हैं। डिफ्रैक्शन में प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकेंडरी, तो देखिए व्हेन इंटरफेरेंस मैक्सिमा। इंटरफेरेंस के लिए जो टर्म है ये अलाउड है कॉस स्क्वायर बीटा। मैक्सिमा इज अकर्ड intensity will be maximum so इसमें cos square beta को maximum होना पड़ेगा या cos beta equal to maximum। और ये maximum value cos theta की कितनी हो सकती है 1। तो जब 1 होगा तो बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। इसके बाद हम लोग ले सकते हैं पाई है ये स्क्वायर है तो पाई पर भी होगा मैक्सिमा 0 पाई 2 पाई 4 पाई इस तरह से चलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन पाई n pi beta equal to। और beta के इस वैल्यू पर हम लोगों का जो n allowed होगा 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट ऐसे मिलेगा। तो beta के इस वैल्यू पर मैक्सिमा क्रिएट होगा। अब देखिए यहाँ पर beta की जो डेरिवेशन में वैल्यू ली गई है वो ये वैल्यू है। तो डिफ्रैक्शन मिनिमा का जो इक्वेशन है उसी तरह इंटरफेरेंस मैक्सिमा का इक्वेशन निकालते हैं। तो उस कंडीशन में बीटा इक्वल टू पाई ई प्लस डी साइन थीटा अपन लेमडा ये टर्म था इसलिए ये हो जाएगा एन पाई इक्वल टू पाई ई प्लस डी साइन थीटा अपन लेमडा। तो पाई से पाई कैंसिल होगा बीटा अल्फा तो ये हो गया e प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस मैक्सिमा
कंडीशन, मैक्सिमा कंडीशन। अब देखिए इसमें एक होगा केस फोर इंटरफेरेंस मिनिमा, इंटरफेरेंस मिनिमा। तो इंटरफेरेंस मिनिमा का यहाँ पर मीनिंग है कि जब इंटरफेरेंस मिनिमा होगा तो इंटेंसिटी जीरो होगी, तो जो इंटेंसिटी टर्म है इंटरफेरेंस के लिए कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। इस ऑप्टिक्स का लैंग्वेज ऐसे ही है, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिनिमा। तो इसमें हो जाएगा पर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मिनिमा इंटेंसिटी विल बी जीरो। जब जीरो हो जाएगी तो उसका मतलब होगा कि कॉस स्क्वायर बीटा विल बी मिनिमम, मिनिमम दैट इज कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो या कॉस बीटा इक्वल टू जीरो। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा को कितना सेट किया जाएगा, इसका मीनिंग यही है कि कैसे डिवाइस बनाए जाएंगे, उसका थियोरेटिकल सपोर्ट क्या होगा, कौन से फार्मूला होल्ड करेगा उसमें, इस पर मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे। तो जब कॉस बीटा जीरो होता है तो उस समय बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, डॉट डॉट ऐसे बढ़ेगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2n प्लस 1 पाई बाई 2 बीटा इक्वल टू इतना होगा, जहां n की वैल्यू क्या ली जाएगी, 0 1 2 3 इस तरह से। तो बीटा के इस वैल्यू पर मैक्सिम मिनिमा क्रिएट होगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस मिनिमा। मिनिमा हो जाएगा। अब एक केस फाइव मिसिंग आर्डर, मिसिंग आर्डर, इसका मीनिंग क्या होगा ये एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिनिमा ये एग्जाम में कम आता है, पेपर में लगभग नहीं आता है। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न आने वाला जो रहता है वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न या एन स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, यही दोनों में से दोनों आ जाता है। एक सिंगल स्लिट करके एक ग्रेटिंग करके दे दिया जाता है पेपर में। तो ये टर्म्स एक्सप्लेन होंगे। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे मिसिंग आर्डर का मीनिंग क्या है इसमें।
मिसिंग ऑर्डर। तो देखिए इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे आप लोग पढ़े हैं कि एक वेव ऐसे चल रही है, मान लीजिए इस तरह से वेव जा रही है कोई, तो एक वेव का मैक्सिमा होगा इधर प्लस डायरेक्शन में कहीं, और मिनिमा माइनस डायरेक्शन में। तो दूसरी वेव अगर जा रही है इसी के साथ, रिजल्टेंट वेव जा रही है, उसका रुझान इस तरह से है। तो एक का जहां मैक्सिमा क्रिएट कर रहा है दूसरा का मिनिमा, और दूसरा का जहां मिनिमा आ रहा है एक का मैक्सिमा मान लीजिए इस तरह से आ रहा है। तो इसका अर्थ ये होगा कि अगर ये प्लस एम्पलीट्यूड है ए है और ये माइनस ए है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो एनर्जी या इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी जीरो। तो उस कंडीशन में एनर्जी जब जीरो हो जाएगी तो न तो ब्राइट दिखाई देगा न तो डार्क, कोई वहाँ पर फ्रिंज अपीयर नहीं होगी। तो वहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो मिस कर जाएगी, समाप्त हो जाएगी, बैनिश हो जाएगी। तो उसी घटना को कहा जाता है मिसिंग ऑर्डर। तो इस डिफ्रैक्शन में जब जैसे ही डबल स्लिट, ट्रिपल स्लिट, फोर्थ स्लिट, ऐसे एन स्लिट तक जाएंगे तो उसमें मिसिंग ऑर्डर मिलते हैं। उस पॉइंट को मिसिंग ऑर्डर कहा जाता है जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस मैक्सिमा और डिफ्रैक्शन मिनिमा कोइंसाइड कर जाते हैं, एक ही पर पड़ जाते हैं, तो उसको कहा जाता है मिसिंग ऑर्डर। वहाँ की इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। तो इसमें यही समझना है कि जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड डिफ्रैक्शन मिनिमा कोइंसाइड कर जाए, एक ही दूसरे पर आ जाए, तो उस पॉइंट की इंटेंसिटी वैनिश कर जाती है, उसी घटना को कहा जाता है मिसिंग ऑर्डर इन द डबल स्लिट, ट्रिपल स्लिट आर सो फोर्थ स्लिट्स डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो इसमें हम लोग इसी को जिक्र करेंगे, इसीलिए ये निकाला गया है। कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन्ट बाई मिसिंग ऑर्डर इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न या डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो मिसिंग ऑर्डर क्या है, तो ये छोटा क्वेश्चन एक कभी कभी बनता था पहले, 10-12 साल पहले ये आता था। 10-12 साल से लगभग नहीं पूछा गया है कि मिसिंग ऑर्डर क्या है, या डबल स्लिट का नाम ही लगभग नहीं आता है पेपर में। आइदर सिंगल स्लिट और एन स्लिट पूछा जाता है, लेकिन इसका भी मीनिंग समझने के लिए पढ़ते हैं हम लोग। एन स्लिट आएगा जैसे सिंगल स्लिट की प्रॉपर्टी निकाले, उसी तरह से डबल स्लिट की प्रॉपर्टी निकाला जाएगा। तो क्या मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी, तो एक टर्म हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे और मिसिंग ऑर्डर। तो मिसिंग ऑर्डर का मतलब होगा कि डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में हम लोग लिखेंगे, इसमें देखिए यही मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे कि डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटरफेरेंस एज वेल एज डिफ्रैक्शन बोथ इवेंट्स क्या है, आकर्ड होती है। और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पर इंटरफेरेंस मिनिमा, जैसे आपसे बताया गया इसके पहले हम लोग ये साल किए हैं कि इंटरफेरेंस टर्म फास्ट चलता है ऐसे, और डिफ्रैक्शन टर्म स्लो चलेगा इस तरह से। तो कोई ऐसी घटना आएगी कि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ, जैसे यहाँ पर एक का मिनिमा है और एक का मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा, यहाँ पर दोनों का मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये सब घटनाएं जो होती है कहीं ना कहीं मिस करेगी, जैसे यहाँ पर आएंगे तो लगभग ये दोनों एक का मैक्सिमा एक का मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा है। तो जब दो चीज़ें फास्ट चलती है और एक स्लो चलती है जैसे बीट्स में होता है, तो एक का किसी पॉइंट पर एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ कोइंसाइड करने का चांस बनेगा, तो उसी घटना को कहा जाता है मिसिंग ऑर्डर। जिस पॉइंट पर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा इंटरफेरेंस मिनिमा से या इंटरफेरेंस मैक्सिमा डिफ्रैक्शन मिनिमा से कोइंसाइड कर जाए, तो उस घटना को हम लोग कहेंगे मिसिंग ऑर्डर। तो देखिए
मीनिंग इसका एक्सप्लेन करना है. इन द डबल स्लिट्स डिफ्रैक्शन पैटर्न, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न बोथ इवेंट्स, बोथ इवेंट्स मीन्स डिफ्रैक्शन एज वेल एज इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस आर occurred simultaneously occurred एक ही साथ दोनों occurred करेंगे. hence यहाँ पर दोनों simultaneously occurred करेंगे but interference term, interference term जो cos square beta है remains more fast, या most probable more fast रहता है in comparison, in comparison to diffraction term, diffraction term था sin alpha upon alpha का whole square. So there are many chances of coincide the interference maxima diffraction, interference maxima to the diffraction minima, या इसका उल्टा डिफ्रैक्शन मिनिमा. किसी एक को लेते हैं, एक का मैक्सिमा लेंगे तो दूसरे का मिनिमा, इसका मैक्सिमा तो इसका मिनिमा. देयर आर मेनी चांसेस ऑफ कोइंसाइड द इंटरफेरेंस मैक्सिमा टू द डिफ्रैक्शन मिनिमा, मिनिमा. अब यहाँ पर हम लोग एक ये सपोर्ट देंगे कि डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिनिमा जिस पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे वहीं पर इंटेंसिटी वैरी करेगी, ये जीरो हो जाएगी. अब देखिए वेयर बोथ लिख देते हैं, बोथ points are coincide intensity at these points, intensity is missed or vanished. And such points are called missing order, missing order. तो इसमें missing order होता है, एक का maxima दूसरे का minima के साथ miss करता है. और एक मिनट इसको हम लोग एक्सप्लेन कर दें एक टॉपिक.
तो इसमें हम लोगों को मिला था अभी फार इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए ये इक्वेशन आया था और फार डिफ्रैक्शन मिनिमा, डिफ्रैक्शन मिनिमा के लिए इक्वेशन आया था ई साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा। दोनों को डिवाइड करते हैं कंडीशन क्या मिलेगी, तो यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं इक्वेशन वन को डिवाइड कर देंगे टू से, तो उस कंडीशन में मिलेगा ई प्लस डी साइन थीटा अपन ई साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा अपन एम लेमडा। तो साइन थीटा ई कैंसिल हो जाएगा, इसमें लेमडा कैंसिल होगा, बचेगा ई प्लस डी अपन ई इक्वल टू एन बाई एम, या एम की वैल्यू निकालते हैं जो फर्स्ट टर्म डिफ्रैक्शन टर्म है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा ई, एम की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, या एन किसी एक का मान निकाल लेते हैं इसके इक्वल होगा, तो एन का एम का वैल्यू निकालेंगे तो ही आ जाएगा एन ई, या एन ई निकाल देते हैं इसमें, तो एन की वैल्यू हो जाएगा ई प्लस डी अपन ई इंटू एम। तो इस कंडीशन से निकाला जाता है कि कौन सा ऑर्डर मिस करेगा, डिफ्रैक्शन का या इंटरफेरेंस का। तो एक बार अब इसमें ये किया जाता है कि जब ओपेक पार्ट और ट्रांसपेरेंट पार्ट, जस्ट एक मिनट, जस्ट इसमें देखिए फार ई इक्वल टू डी, मतलब ओपेक पार्ट और ट्रांसपेरेंट पार्ट दोनों को बराबर बराबर रखा जाएगा, तो उस कंडीशन में होगा ई प्लस ई अपन ई एम एन इक्वल टू, तो ये हो गया इससे ही कैंसिल हो जाएगा 2m। अब m की वैल्यू है मान लीजिए कि 0, तो यहाँ पर m की जो वैल्यू आई है उसी को रखते जाएंगे हम लोग, तो उस ऑर्डर में मिसिंग ऑर्डर मिलेगा, तो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के लिए ये मिलेगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी जैसे 0 मान सकते हैं, या m बराबर 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 4 होगा, 3 रखेंगे तो 6 होगा, m इक्वल टू 1 फर्स्ट मिडिक ऑर्डर सेकेंड थर्ड ऐसे जो मिलता जाएगा डॉट डॉट, इतना ऑर्डर्स आर मिस्ड एंड सो ऑन। इसी तरह से और भी दिखा सकते हैं। तो ये डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट्स का कंडीशन है। अब इन स्लिट्स में भी एक बार इसका जिक्र कर दिया जाए, टाइम ओवर हो रहा है तो इतना इस लेक्चर में रहने दीजिए। तो इसमें डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न है एन स्लिट या ग्रेटिंग, उसको एक्सप्लेन करेंगे, दो तीन लेक्चर में कंप्लीट होता है तो वो सॉल्व होगा डिटेल्स में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।